तो गाइज अभी मैं आया हूँ TVS के शोरूम में, तो ये यवतमाल में आता है। तो यहाँ पे अभी हम हमारी नई स्कूटी लेने आए हैं। तो बहुत साल हो गए मैंने नई स्कूटी ली नहीं है, तो इसलिए अभी हम नई स्कूटी परचेस करने आए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम TVS शोरूम आए हैं, तो यहाँ पे अलग अलग TVS के बाइक्स और स्कूटी रखी हुई है। तो अभी हम लेने आए हैं स्कूटी, तो मेरे को पसंद आ रही है जुपिटर, तो वो आज हम यहाँ से लेके जाने वाले हैं। देखते हैं उसमें कौन सा कलर्स है, क्या क्या फीचर्स है। यहाँ पे TVS बाइक्स के अलग अलग मॉडल्स है, जैसे ये अपाची है 160 और ये TVS स्पोर्ट, इधर एंटॉर्क है ये देखो, और ये रही एंटॉर्क में दूसरा कलर, और फाइनली ये है TVS जुपिटर। तो इसी में से हमको एक पसंद आई है, तो शायद से वो अभी हम लेने वाले हैं। ये देखो ये TVS जुपिटर का नया मॉडल है। जुपिटर की यहाँ पे स्टिकरिंग है 125। और इस स्कूटी की खास बात बोलो तो इसका जो फ्यूल टैंक है ना, वो देखो यहाँ से अपन फ्यूल भर सकते हैं, और टैंक नीचे के साइड है। और यहाँ पे मीटर भी आप देखो कैसा नया मीटर आया है, इसमें थोड़ा डिजिटल किया गया है, और आगे के साइड LED DRLs मिले। ये नया है इसमें, और ये देखो ये 125 में है, और उधर आप देखो ये डिस्क वाला वेरिएंट है, वो नॉर्मल वाला वेरिएंट है, तो उसमें आपको ये वाला फीचर नहीं मिलेगा। और उधर साइड जो रखी है ना, वो है हमारी 110, जुपिटर 110 है 110 cc, और उधर की मैंने दिखाया वो अपनी 125 है। इसके कलर्स देखो 110 के, इसमें से अलग अलग कलर्स मिलते हैं। हमारे TVS 125 में 4 कलर्स है, वाइट और ये ब्लू और एक ऐसा ग्रे टाइप, और उधर वो अपना सैफ्रन कलर, भगवा कलर बोल सकते हो। तो हमको ये कलर पसंद आया, तो इसी के साथ कुछ एक्सेसरीज भी हमको लगानी है, तो इसलिए अभी हम एक्सेसरीज के लिए गाड़ी डाली हमने यहाँ पे, और आज ही के दिन हम स्कूटी लेके जाने वाले। तो गाइज फाइनली हमने हमारी स्कूटी पसंद कर ली है, और हमको पसंद आई है जुपिटर 125। तो यहाँ पे मेरे पापा ने जुपिटर 125 पसंद की है। कौन सा कलर ले रहे हैं अपन? ब्लू। ब्लू कलर, तो अभी हमने यहाँ पे ब्लू कलर पसंद किया है। यहाँ पे मेरे पापा आए थे, दूसरे बाइक्स देख रहे थे TVS वगैरह की, ये देखो रेडी वन, ये TVS की नई बाइक आई है, और इसमें लूना के भी मॉडल्स है TVS का, देखो अलग अलग मॉडल्स है लूना के। भाई कैसी वाटली अपनी गाड़ी? हमारी गाड़ी तो बहुत ही अच्छी है। ये देखो यहाँ पे सभी स्कूटी बाइक्स की प्राइस लिखी है, तो गाइज ये गाड़ी हमने खरीदी है, आप देख सकते हो यहाँ पे जुपिटर लिखा है, जुपिटर 125 ये हमने खरीदी है। कलर देख सकते हो आप, ब्लू कलर की है, आगे से देखोगे ये जुपिटर का नया मॉडल है। इसमें अपने को DRLs मिलते हैं, उसी के साथ में ये आगे का अलॉय व्हील्स भी मिलता है। एग्जॉस्ट देखो गाइस, इसका एग्जॉस्ट कैसा है, इसका डिस्प्ले है, ये देखो यहाँ पे आपको टाइम दिखाई देता है, उसी के साथ में किलोमीटर है, और फ्यूल इंडिकेटर है, कितना फ्यूल इसमें डाला हुआ है वो भी दिखाई देता है। और इको मोड है इसमें, मतलब 40 की स्पीड तक रहे तो इको मोड दिखाई देता है, उसके बाद में मोड चेंज होता है।
तो ये हमारी स्कूटी है, ये हमने अभी ख़रीदी है। अभी यहाँ पे भैया एसेसरीज लगा रहे हैं, इसका एक गार्ड हम लगा रहे हैं, इसकी सीट कवर, उसके साथ में ये कवर भी लगेगा। हो गया क्या बबलू भैया काम? हाँ हो गया। क्या क्या करे उन्होंने? सीट कवर, पैनल कवर, बॉडी कवर, ये बॉडी कवर लगा है, बॉडी कवर, ये सीट कवर लगा है, सीट कवर लगा रहे हैं, ये बॉडी गार्ड, सामने का है, सामने का लगा है ना, नहीं जाए क्या लगा है, ये सामने का, अभी गाड़ी का ऊपर का चेंज कर रही है वाला, दूसरी गाड़ी का लगा रहे हैं, ये गाड़ी का निकला अभी, दूसरी गाड़ी का लगा रहे हैं, बाकी पूरी गाड़ी रेडी है अभी, और यहाँ से यवतमाल से हमको पांडा कोरा निकलना है थोड़ी देर बाद। यहीं से आपकी गाड़ी ऑन ऑफ यहीं से होगी, लॉक भी आप यहीं से इसको कर पाओगे ईजीली। उसके बाद आपको चालू करना है, दो सिस्टम से सीधे चालू करने के, इसमें ये आपको ऑन किया है, इसको ऑफ करिए, इंटरनल राइट साइड पर आपका पेट्रोल घुल जाएगा, सेम कंडीशन, इसको बंद करके उसमें घूमिए, डिक्की खोल, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको ये जो मैंने आपको पहले बताया लेडीज़ के सेफ्टी के हिसाब से आपको सेफ्टी ब्रेक दिया हुआ है, उसके बाद में दूसरा सेफ्टी फीचर्स ये है, इंजन कट ऑफ दिया हुआ है, इनके अगर आपकी गाड़ी चालू रहे और स्टैंड अगर आप लगा देते हो तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ये आपका एक सेफ्टी फीचर्स है। उसके बाद आपको टाइमिंग और वगैरह, टाइमिंग भी आपको इस पर दिखेगा, ऑडोमीटर भी इस पर दिखेगा, और जो बेसिक ट्रिप्स वगैरह आपको देखना है ट्रिप भी आपको इस पर ईजिली दिख पाएगी। उसके बाद इंडिलीगो फंक्शन है, इसको हम पेट्रोल सेविंग मोड भी बोलते हैं, आप जब ट्रैफिक में गाड़ी खड़े करोगे, ब्रेकिंग करके रुक दीजिए, ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, उसके बाद आप सिर्फ ब्रेक दबाइए, हल्का सा एक्सीलेटर दीजिए, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, कोई आपको बटन दबाने की या वो ज़्यादा भी चालू करने की कोई जरूरत नहीं। टूल किट है यहाँ पे, और ये स्पेस दे, कैसे डाली आई गाड़ी? गाड़ी अतिशय छान झाली आणि मला आवडली, और ये कलर भी बहुत अच्छा है, ज्युपिटर कंपनी बहुत अच्छे है ऐसे लोगों ने कहा है, इसलिए हमने ये ज्युपिटर गाड़ी ली है। अभी हम बाहर आ चुके हैं और ये हमारी जुपिटर है, आप देख सकते हो,